कोई लाके मुझे दे, लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे, कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे, लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे, लाके मुझे दे, कोई लाके मुझे दे। हमने असली कबीर को या तो उनकी कहानी में ढूंढा है या फिर उनकी बानी में। मिसाल के तौर पर पहला सवाल ये उठता है कि कबीर कौन थे? मेरी बचपन की हिंदी की एक किताब थी, बाल भारती, कक्षा 2 में पढ़ता था। उसके पाठ 3 की आखिरी 2 लाइनें मुझे आज तक याद हैं कि कबीर न हिंदू थे न मुसलमान, वास्तव में वे थे एक सच्चे इंसान। कबीर, तुम कब के भय बैरागी, तुम्हारी सुरती कहां को लागी, कि बैचित्रा का मेला नाही, बैचित्रा का मेला नाही, नाही गुरु नाही चेला, सकल पसारा जिन दिन नाही, जिह दिन पुरुष अकेला। गोरख, हम तब के अहें बैरागी, हमारी सुरती ब्रह्मा सो लागी, हमारी प्रीति ब्रह्मा सो लागी। तो मैं आप लोगों को एक चीज सुनाता हूं जिसे हम कहते हैं साकीनामा। साकी समझते हैं आप? शराब पिलाने वाला, वो साकी साकी वही वाला। सबको बॉलीवुड रेफरेंस देनी पड़ती है ना, जब तक तो वो ना दो कोई समझता ही नहीं आप क्या करें। ठीक है, मतलब उनका भी भला हमारा भी भला। तो साकी नाम है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक दिन मैं सोच रहा था क्या हो सकती है, तो मैंने कहा हाँ, ओट टू द बार टेंडर। बेटा बाप से कह रहा है चेक पर साइन कर दो, जनता मंत्री से कह रही है रिजाइन कर दो, पर यहां तो कोई भी किसी से भी कह रहा है डिजाइन कर दो। क्यों? क्योंकि दरअसल किसी को मालूम ही नहीं है कि ये डिजाइन किस चिड़िया का नाम है। मेहंदी डिजाइन कर दो, रंगोली डिजाइन कर दो, घाघरा डिजाइन कर दो, चोली डिजाइन कर दो, पर डिजाइन कोई दिखावा नहीं है। डिजाइन तो एक जादुई दुनिया है, एक तिलिस्म की तरह है। जब होता है तो अक्सर दिखता नहीं है, और जब दिखाया जाता है तो अक्सर होता नहीं है। तो हाजरीन, ये जो है इसे कहते हैं कह मुकरनी, और ये खुसरो की इजाद की हुई चीज है। इसमें पहली 3 पंक्तियों में वो कहते हैं और आखिरी पंक्ति में मुकर जाते हैं। तो अब आप हमारे साथ जुड़े, और आपके लिए हिंट ये है, क्लू ये है कि तीसरी पंक्ति का आखिरी लफ्ज जो है उससे मिलता जुलता काफिया जो है वो जवाब है। तो सुनिए, हर रात मोरे घर वो आवे, मैं सोती हूं मुझे जगावे, हर रात मोरे घर वो आवे, मैं सोती हूं मुझे जगावे, पढ़त फिरत है ब्र ब्र, पढ़त फिरत है बिरहा के अक्षर। ए सखी साजन, हाँ सखी मच्छर। पुरानी बात कुछ यूं है कि छास कहती थी, रंग मेरा है मक्खन वर्गा, रूप भी मेरा सुच्चा, दूध मलाई मापियो मेरे, मेरा असला उच्चा, जेड़ा मैनू रिड़कन बैठे उसने वारी जावा, खड़के टोल मदानी वाला मैं विच पंगड़े पावा। छास कहती है चाय से, मैं लोकां दी सेत बनावा, तू पई सेत वगाड़े,
मैं पई ठंड कलेजे पावा तू पई सीने साड़े गल्ला कर दी थक दीनी तू जीबनू ला ले ताला खंड भी कौड़ी कित्ती आते दुद्ध भी कित्ता काला मेरी चौधर चार चुफेरे तेरी मनता थोड़ी मैं देसा दी सूबे रानी तू पर देसन छोरी देश पराए आ तू रानी दी साली बन बैठी अग मंगण आई सी करवाली बन बैठी। गांधी कहते हैं कि प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है, प्रार्थना तो आत्मा की पुकार है, अपने आप को और पाक और शुद्ध करने के लिए। प्रार्थना रोजाना अपनी कमियों अपनी खामियों को कबूल करना है, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। मौत उसे याद दिलाती है कि वो कुछ भी नहीं। जब पल भर में हम ही मिट्टी हो जाएंगे तो हमारे मंसूबों के क्या मायने हैं। हाँ, लेकिन अगर हम ये मान लें कि हम उसके मंसूबों पे काम कर रहे हैं तो हम मिट्टी से सुमेरु पर्वत बन जाएंगे। और सिर्फ उस हालत में मौत बस एक बदलाव बनकर रह जाती है। अगर है शौक मिलने का तो हर दम ला लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हर दम ला लगाता जा, जला कर खुद नुमाई को भसम तन पर लगाता जा, जला कर खुद नुमाई को भसम तन पर लगाता जा, अगर शौक मिलेगा। और उससे बोली कि ये शेख साहब जो अंदर बैठे हैं ये महबूबे इलाही हैं, अल्लाह के महबूब हैं, ये बहुत पहुंचे हुए हैं। और हाजरीन, वो लड़का जो अभी भी बच्चा था ये जानता था और मार्केट में घूम रहे बहुत फ्रॉड बाबाओं को देख चुका था। बोला कि अंदर जो बैठे हैं अगर वो इतने ही पहुंचे हुए हैं ना, मैं अपने दिल में एक शेर कहूंगा, उन तक पहुंच जाना चाहिए तो पहुंचे हूं। तो लड़का शेर कहता है कि तेरे दर पे आ कबूतर बन जाता बाज है, तेरे दर पे आ कबूतर बन जाता बाज है, ए शाह तूने दी क्या मुझको आवाज है।
ये कह रहा था कि पीर साहब की खानकाह से उनका खादिम दौड़ा दौड़ा आया और आखिर इस लड़के से पूछता कि आप तुर्क हैं। लड़का बोला जी हाँ, क्यों क्या हुआ? बोला पीर साहब ने आपके दिल की बात सुन ली है, जवाब भेजा है। बोले क्या जवाब भेजा है? बोले कहते हैं कि जो जानता है सच वो मेरा हमराज है, जो जानता है सच वो मेरा हमराज है, नादा है वो इस दर से जिसे ऐतराज है। आप साहब, ये लड़का हक्का बक्का रह जाता है, दौड़ा दौड़ा जाता है पीर साहब की खान के आंख के अंदर, देखता है कि पीर बाबा जो है वो बीच में बैठे हैं, सैकड़ों लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है और इस पीर बाबा के चेहरे पर एक नूर है, एक रंग है, एक ऐसा रंग जिसकी तलाश खुसरौ आज तक करते आ रहे थे। वहीं उनके कदमों में गिर पड़ते हैं, बहुत देर तक वहां पड़े रहते हैं और फिर उठकर अपनी मां की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मां आज रंग है, मां आज रंग है। खुशनुमाई किसी में है कोई दिल रुबाई, मगर बौसाफ़े कब्रियाई सनम सराफा तुम्ही को देखा।